जय माँ कहता जा पग पग आगे बढ़ता जा। जय माँ कहता जा पग पग आगे बढ़ता जा। जग में जय माँ कहता जा पग पग आगे बढ़ता जा। यह तन दिया है उस मैया ने, यह तन दिया है उस मैया ने, यह तन दिया है उस मैया ने। भीमानंद आ गए, हमसे ज्यादा ही बताएंगे। इंटरनेशनल गजेट पियक्कड़, इनके इतना मारे डरन वीआईपी लोग रास्ता छोड़ देते थे, का पता धोतिये खोले लगी पैसा दो नहीं खोला था, पैंटवे खोल लगी दो नहीं पैसा दो पिए। ओम अपना जीवन बताएंगे जो महान महान संत हो गए, और देवियों को बताते हैं कि भेजिए सभा में, भेजिए, काहे लिए अपना सुहाग अपने हाथ से धोते हैं। क्या मूड सही हो तो महाराज जी को दीजिए, नहीं तो है भीमानंद जी। अब देखिए अम्मा इनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी बना दे, इतना उन्नति कर लिए। वाह, बोलिए भीमानंद जी महाराज की। सदगुरु चरण की जय। बड़ा बढ़िया गाना गाते हैं, लास्ट में गाएंगे हम। बुजारत यादव ग्राम भैसौली बड़हलगंज के निवासी हैं। मैं इतना शराब पीता था, इतना शराब पीता था, कहीं ढह जाता था ना। अरे भाई ईमानदारी के लिए ताली बजाइए इनके, ईमानदारी। कहीं ढह जाता था, कहीं गिर जाता, ठेला बुला के जाते थे, बैलगाड़ी बुला के जाते थे, जीप बुला के जाते थे, और इतना शब्द प्रयोग करते थे कि लोग देख करके भाग जाते थे, भागते थे, हम दौड़ा लेते थे, इधर भागते थे, उधर भागते थे, किसी का कुर्ता फाड़ देता था, और पैसा नहीं रहता था तो किसी के सामने खड़ा था पैसा दे कहे नहीं बा धक थैली एकदम सीधे। अब बड़ी दुर्दशा रहे हमारे, बड़ी दुर्दशा है, क्रिया खा के घर से आई सड़के पर, और फिर जुड़नते पिए शुरू कर दे, फिर जाए साझी का असयस दुर्गत हमारी देवी जी कही नहीं कहो कुल का लड़किया देवी पटक के लगा चपले चपले धुए थूरे को तब वो नहीं मानी। तो गुरु जी के लग गए कुल कहली चला चला, हम कहीं चला हम जानते हैं तुम्हारे गुरु जी के कहा हवा हमको बहुत दिन से जाना था। तो कहानी चली का जन देखी का होता वहाँ आई, वहाँ से आई पियले रही खूब ढेला ओला गठिया तो ठिया था कुकुरन वाला कुकुरा कुल भोक ढह जाई, जब कुकुरा भोक कुल तो गमछा में पहले नहीं धैल रवाई कुल के तो कुल भागा आ जाए कैसो। आवत आवत गुरु जी के चरण में ढहत ढहत गुरु जी दया कर दिला, अब इतना शरीफ हो गए कि बतिया सजी भुला गए। तब पियत रहली दारू हम देत रहली गारी अब सुधर गई, पियत रहली दारू हम सुनत रहली गारी अब सुधर गई, सदगुरु बोली लीला गारी अब सुधर गई। गुरु जी के हम पहले डॉक्टर साहब कहत रही, इनके मनाई समझ के हम अली, हमारे बहुत घमंड रहे, हम साधु संतन लोग को इज्जत कदर करत नहीं रही, कहली सही ढोंगी पखंडी हो पैसा खातिर सही कर लाकू। तब गुरु जी के लगन नहीं आवे आवे जाए तो गुरु जी लगल आप लीला देखावे हमारे साथे, तब जाके गुरु जी के हम भगवान बनली, आ इनके इनके चरण में शरण ले पौली। एक बार के बात है गुरु जी के ना जात रहना बम्बई आव जात रही गुरु सत हवे, तो कहली गुरु जी के पहुँचा के बस धरा देनी बनारस को अपने चल गई नहीं साँझ हो रहे, कहली चलो आज पियो तनिके पियो आ पी चल घरों को ला जानी
तो गणेश भगवान बाण वह गुरु जी के बारे में पहले कर बताओ कि पियबे तो धो लिया भक् उन्हीं के लगे रह तो खा ले पिए ले उन्हीं धरत ना गई बम्बई तो धरी हूँ देख तमरे रे भगवान कहाँ कहाँ गुरु जी नहीं देख वो कहाँ देखी कहाँ कहीं गईली एक जन भेटा गई बेचारे कहीं यार दारू पिया तो भाई तीन महीना भैल बा और गुरु जी गई बम्बई अब को डर तो बा नहीं तो बेचारा लिया कहा सौ एक रुपया बा भैया सब हम कह चल सौ रुपया तो ले तनिके पियो गई लेके आधा लिया लो आ लेके बैठ हमको कहता अंडा उंडा ले आई हम कहीं ना ये गलती होती है हम मूँगफली ले आओ ले आई मूँगफली हम कह अंडा अंडा खे बाद हम कहनी तो कहत भैया तू वहीं बनाब तीन गो गिलास ध दिल हम तुरंत है तौले तो गुरु जी को भुला गल महाराज जी कहीं गणेश कहला धरिया तो महाराज जी कहीं बक तो गुरु जी आ गई ना बूढ़े को भेज दे के डोबेठ रहे कहत ए महाराज जी का कर दे हो तू दिया तो हम कह भूला तो हम कह अरे महाराज तीन दारू पियो थे गुरु जी बाड़ा नहीं गई ना बम्बई आ तीन महीना हो गए तो खड़ा हो गई तो कहत कहो महाराज तू तो कहीं जाए ला मत शरीर न हम कह हाँ रे जाए ना तो चल तो हम कहीं तीन पी लही तो कहत अच्छा कहला गुरु जी गुरुओ जी रहा का सही फिन बात हम बतौला हमके पियक्कर है ऐसे ऐसे कैल तो का कही अब डूबे डूबे हूँ कही तो गुरु जी कहला अच्छा आपसे ना पियब हम कह नहीं तू जा भैया हम अब से पियब नहीं तो कहला तब जात तो बाणी तीन बेर कहवा लिया जात तो बाणी देखिए अब से मत पी हम कह नहीं जनबे कर ला हम पी ला जनाला ना ढेर हो जाला तब तो जना जाला ये कोई चल गई ना आ वो तीन गिलास में भइल तो हम कह वाह घोड़ना को मजा ना है तनी और ले आओ तो कहता अब कहाँ बा चालीस रुपया बा हम कह साठ घोमा लगा में ले ले झूले ले आई ले आई ला आधा होके दे देनी आधा बने लेके हम कहीं जा कुल हम पी के आवत आतने शराब हम पियली आ जानी नहीं बोनी हम कहाँ बाणी ढोई गईली होशे चेतना आई अब उतनी शराब मारे हमको कुछ हो गए अब का करी टांग उंग कुल ले गई ना दुकान है वहीं सड़के पर लौटा दी आ वहीं और सुता ले चारों पाँव सड़के पर वही रही मनाई अल गई घर बारह एक बज गल के तब सने से गई तो लड़की है ड्राइवर भा हमारे देवी जी दोनों जन लोग आई तो टांग के उठाओ तो उठते ना आई तब का कहनी कैसो कैसे उठा ली तो गई गई पैदल याद यही हम कुछ बटले नहीं आ मोबाइल है मोबाइलियो गायब हो गए वहाँ से ओकर अचरत देख तो लिया गई कुल घरे आ सुतली थैली मोबाइल नहीं गमछा पर सुतल रही तो मोबाइल नहीं तब चिंता दे उठ के अब घबरा जी रे घबरा बुझा का होता हमारे तो चलली वहाँ से चल दिली हे तो सीना भात गुरु जी को माफी उफी मंगली सिफारिश वस कहनी तो बुझाएल हमारे कितना जोर हो गए तो हमके आवाज़ सुनाए कि जो भोर हो जाए तो मिली नहीं तो चल दिली आई हो पाछे पाछे को कहाँ जाता अरे हम कभी मोबाइल लिया वहीं बहुत मिल जाए अली खोजत खोजत थक गई ऐसे वो जी यार रहे आ सड़के किनारे रही सब खोज उज के जात रही आगे आगे हम पीछे से ऊ आ पीछे ओकर भी लड़की लड़की कहते पापा इका हम मोबाइल हम कह अरे ते मोबाइल तुह खोज ली हम खोज मिलबे नहीं कहाँ से आ गए सब उन्हीं कृपा धैले कहाँ उठा के धो दिल तो मोबाइल मिलल आ आना जाना लगौनी सदगुरु की कृपा कर देना लीला देखा देना हमके तीन बेर पियली दारू आड़े आड़े दीक्षा लिए के बाद तो कही कुल को भाई तोर गुरु जी देख ताड़ा ले 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 तन तनी फिर एक बेर कहीं ना रे गुरु जी जान जी तो बड़ा ठीक कर सजाई दिल कल भा तोरी गुरु जी जान तो नहीं बड़ी सजा दी हाँ तीसरे बेर दारू पी लिया
आई चक्कर ओकर हरी दुर्गत भाई। अब भागल भागल गुरुजी के लगे गेटे के बाहर निकलत रहा, कहनी गुरुजी बड़ी भारी गलती हो गई, कहना जाए अब से ना पिए। तब से हम दारू छुअली ना अस दुर्गत कर पिए करन का करब। आ सब जाने ला दूसरे पर लगा के आ तू के सुना दिया कि देख तू है यही कहले बड़ा। तो पियक्कड़ भाई लोग अगर सदगुरु चरण पा गई लो तो तेना सुधार हो जाए, कोड़न कोड़न मार के रह देख दिया ना ही मन होता। वो सदगुरु भगवान हो देखत के लगल मन ही आ बतिया यहाँ तक जानी सब कुछ जनते नहीं बड़े तो भाई का हो कुछ बतिया ही हाँ। उ लीला सदगुरु देखाओ ना हमार के सदगुरु चरण की जय। भीमानंद के लिए बहुत यह गुरु का भी नाम सम्मान बढ़ाए, मातेश्री परिवार का सम्मान बढ़ाए और इनकी तरह लाख हजार लाख में नहीं गए हजार तक हजारों लोग अब हो गए देवता। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी संग में जुड़े, सत्संग में बैठें, ध्यान में बैठें। ध्यान में जो शक्ति आती है ना, ध्यान में संख्या कम होती है देखते हैं और प्रवचन में ज्यादा होती है, नहीं ध्यान बहुत अजीब चीज होती है। ध्यान तपस्या में जब बैठेंगे तो उसमें बुद्धि आपकी शुद्ध निर्मल और पवित्र होगी, उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए पढ़े आत्माएं यही कहेंगे कि आज अब जो स्थिति चल रही है इस समय, हम सभी लोगों का यह फर्ज और धर्म है कि पूरे सब लोगों को व्यसन मुक्त करें। जीते जी आदमी राक्षस बन करके दर दर का ठोकर न खाए और मजबूर होकर के भी जीवन न जिए, मानव जीवन। एक भजन कैसे है ना, भजन है लेकिन यहाँ तो हम गाए नहीं है खड़ी भाषा में, लेकिन देखिए यह अपनी बात की बात नहीं है, ये अपने बस की बात भी नहीं है। कोई न शराबी बनना चाहता है, न कोई जुआड़ी बनना चाहता है, न कोई गजड़ी बनना चाहता है, न कोई चोरी करना चाहता है, न कोई डाकू, शुरू में नहीं चाहता है लेकिन ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि आदमी मजबूर होकर वो रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन यदि सदगुरु मिल जाता है, यदि सदगुरु मिल जाता है तो उसे सुधार करके महान बना देता है, और यदि सदगुरु नहीं मिला तो वह जीवन शैतान बन करके अपना जीवन बिताता है। न कहीं रामायण का रावण था कि नहीं था, शास्त्र का कंस था कि नहीं था, अजासुर अघासुर थे कि नहीं थे, लेकिन यदि हम सदगुरु को छोड़ देते हैं और रास्ता बिछुड़ना ही है, बिछुड़ जाता है, तो ऐसे हालात में हम जीते जाते महिषासुर के, कुंभकर्ण के, रावण के, कंस के उदाहरण बन जाते हैं, इसी के अंदर छिपे हैं और प्रकट हो जाते हैं। दिव्य आत्माएं सारी बातों के साथ साथ लास्ट एक बात है, कहावत है एक फूल के साथ बैठोगे तो महक आएगी, और यदि गंदगी के साथ बैठोगे तो दुर्गंध आएगी। ठीक है, उसी तरह से जब संतों का संग करेंगे, सदगुरुओं का संग करेंगे तो फूल की तरह महकने लगेंगे, और जब दुष्टों का संग करेंगे तो दुष्ट बन करके सजा पाएंगे। मनुष्य का दोनों काम अपने बस का है, दोनों काम बस का है, या दुष्ट बन जाए या देवता बन जाए। यदि सत्य के पक्ष में कार्य करेगा तो देवता बनेगा, और संसार के पक्ष में कार्य करेगा तो दुष्ट बनेगा। अच्छा देखिए, खेतों में फसल हम बोते हैं तो खर पतवार बिना बोए उपजता है, और जो फसल बोते हैं उसके ऊपर हो जाता है, बेकार है ना। इसलिए मन बेकार चीज अधिक सोचता है, खराब चीज कम सोचेगा, बेकार चीज अधिक सोचे। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी
जुगेश्वर जी महाराज की तरह, सुदर्शन जी महाराज की तरह, दधीच जी की तरह, हनुमान बजरंग बली की तरह, आचार्य भीमानंद की तरह, आचार्य गणेश भगवान की तरह आप लोग भी अगस्त जी हैं का? अपना जीवन नहीं बोले, आप पीते थे कि नहीं? पीते थे वही? अच्छा, चलिए, आपकी ईमानदारी के लिए आपको बहुत बहुत। अब अगस्त की तरह सरिंगी पीते थे आप? आई बारी के बारी, वाह वाह, बहुत तगड़ा। अरे भी धाता, यानी बड़ा मेहनत क्योंकि धोवे पड़ल झावा से रगर रगर है। चलिए आप लोग भी सरिंगी की तरह हो जाएं। अब वशिष्ठ जी, अरे आप इतना नहीं, हे विधाता, हे भगवान, रमाकांत जी महाराज आए। अरे खड़ा हो बोलो, माई देश के सामने, कई देश के सामने। भाई वशिष्ठ जी के विषय में थोड़ा सुनिए। नहीं, लाउड स्पीकर दीजिए, लाउड स्पीकर दीजिए। हम अरे न जाने कितना लोग सुधर जाए आपको सुन के, तीन तीन कैमरा लगा हुआ। हमार नाम रमाकांत यादव है, हम ग्राम जमीन लोहरपुर फकीरपुरा के निवासी हैं। हमके दधीच भाई दुखी रहनी तो लेके अलें, हम तालाब में मछली पालन भी करत रही हैं, कई लाख बच्चा डरवा के बेचत रही हैं, बड़हलगंज मंडी में भी ले आत रही हैं, मुर्गा बकरा भी खात रही हैं, शराब भी पियत रही हैं। तीसरे दिने दुई प्याजा बनवा के मुर्गा खात रही हैं। दुई प्याजा मने हो? ठीक है, आधा प्याज आधा मुर्गा खाने से बनत रहा है। सही, हम का जाना बात सही है, लेकिन अब जान गए नहीं, अब जान गए। लेकिन दधीच भाई लिया के अइले आ दू साल के बाद दीक्षा मिलल हमके, आ ओकरे बाद भी हम साल भर चलल, लेकिन बहुत हमके ओमे दुख भोगे पड़ल, आ दुख भोगत भोगत तब पोखरों छूट गई, खैलको छूट गई, पियलको छूट गई, आ हम 98 से वो छूट गए। 98 से आवत हैं, जौने साल बाढ़ आई लल सब तूर तार के बोर बार के हेतना पानी में गुरुजी जाके हवन कैले, वो समय हम यही जौन पटना रोड बा वहाँ गुरुजी हॉस्पिटल बन कैले रहना, वही में रहली अपने बच्ची के लेके। साल दू साल के बाद हमार छूट गई, आ तब से हम बहुत सुखी बाणी। आज भी आप सबके सामने 70 का उम्र बा, लेकिन ते बीच में तनी दुखी रहली है, कुछ मामला गड़बड़ा गई लल है शरीर से, लेकिन ये समय एकदम स्वस्थ बाणी, और गुरु का कृपा है कि हम दू साल नहीं आ पौली है रोगी की वजह से, लेकिन कुछ आशीर्वाद और कुछ कृपा हमारे ऊपर बरसल कि हम साल भर से फिर लगातार आवे गुरु कर दे गुरु चरण की। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आचार्य वशिष्ठ जी महाराज, आप भी आज शपथ लें, कसम लें, संकल्प लें कि यदि वशिष्ठ जी महाराज छोड़ सकते हैं, जोगेश्वर जी छोड़ सकते हैं, अगस्त जी छोड़ सकते हैं, श्रृंगी महाराज छोड़ सकते हैं, भीमानंद छोड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? आप भी छोड़ सकते हैं, इसलिए संकल्प लीजिए कि मैं आज संकल्प लेता हूं कि नशा का परित्याग कर दूंगा। बोलिए कौन कौन से लोग तैयार, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर दोहराइए मत। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों के लिए ठीक है।
अब इसी के साथ साथ आज की धर्म सभा का समापन किया जा रहा है। समय का चक्र बहुत चला, अब आरती के लिए तैयार हो जाए। जय जगतारणी भव भय हारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगतारणी भव भय हारणी अवतारणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायाम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायाम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुर मारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जग माता हर संकट त्रासाय अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जग माता हर संकट त्रासाय अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। जय वेद रचयिता हरिहर जयता परम शक्ति जय नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। दो चरण रूप दो गंगधार जय पाप विनाशनी नमो नमः। जय वेदम धारिया ब्रह्म अवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय वेदम धारी ब्रह्म अवतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु चरण जय कोटि नमन। जय चक्रधारी सत्य अवतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमन। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सदगुरु चरणम कोटि नमन। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सदगुरु चरणम कोटि नमन। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जयाम्बे अवतारणी मा ब्रह्मचारणी सदगुरु चरणम कोटि नमन। जयाम्बे अवतारणी मा ब्रह्मचारणी माधुर चरण जय कोटि नमन। शंख ध्वनि जय जगतारणी भव भय हारणी अवतारणी मैया नमो नमः। अवतारणी मैया नमो नमः। अवतारणी
अधर्मिका नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। ओम नमः, शांति शांति शांति। आप सभी